वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आती है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने की। और वाइस इन्वेस्ट के हेमंत उस्तगी मेरे साथ जुड़ गए हैं जो अब आधा घंटा आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। हेमंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी बेहद खास पेशकश में। और बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, कुछ दर्शक फोन लाइन पर अपने सवाल पूछेंगे जो कि व्हाट्सएप नंबर हम देते हैं वहां पर सवाल छोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त भी हम लाइव आपको देख रहे हैं, आपसे मैं बात भी कर रही हूँ, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और हेमंत जी शुरुआत हमारे यूट्यूब के दर्शक से मैं करना चाहती हूँ। पंकज नाम है इनका और 10 साल में 50 लाख का इनका लक्ष्य है, 8,000 रुपए महीना SIP ये कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में जो फंड है उनमें से पराग पारिक का एक फ्लेक्सी कैप है, इनके पास ABSL का ELSS है, टाटा का डिजिटल फंड है, निपॉन का स्मॉल कैप फंड है। और कब से निवेश कर रहे हैं हालांकि इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन तीनों फंड में इट सीम्स ये 2,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, चारों फंड में 2,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, कुल 8,000 रुपए की SIP और 10 साल में इन्हें इकट्ठा करने इस पोर्टफोलियो से 50 लाख रुपए। जी कविता, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम ये मान के चले कि अभी से अगर वो इतना समय दे रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को और 8,000 की जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो करीब करीब 19 लाख का कॉर्पस बनेगा 12% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से। उनका जो टारगेट है 50 लाख का है, वहां तक पहुंचने के लिए उनको 20,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो डेफिनेटली एक शॉर्टफॉल है वहां पे, इनको कोशिश करनी पड़ेगी कि जितना जल्दी हो सके वो इन्वेस्टमेंट को करें। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, जब आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो SIP से तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाएं, स्पेशली जब आप नए निवेशक हो, छोटे निवेशक हो। इनके केस में मैं देख रहा हूँ कि एक सेक्टर फंड IT फंड है इनके पास, टाटा डिजिटल फंड, मुझे नहीं लगता कि वो उनके प्रोफाइल के हिसाब से वो सूटेबल है, तो वहां पे एक वेल डाइवर्सिफाइड जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड है उसमें वो इन्वेस्टमेंट करें। और दूसरा इनके पास एक टैक्स सेविंग फंड है ABSL टैक्स, मुझे लगता है उस कैटेगरी में दूसरे फंड हैं जो उससे बेहतर है, फॉर एग्जांपल वो चाहे तो जैसे क्वांट टैक्स सेवर को देख सकते हैं या फिर बंधन टैक्स सेवर, उन दोनों में से किसी फंड को अगर कंसिडर करें तो शायद उनको मुझे लगता है यहाँ से आगे जाके बेटर रिटर्न मिल सकती है। तो दो बदलाव और शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए इनका सवाल जरा मेरे सामने आप ले जाइएगा और YouTube के हमारे दर्शक का जो सवाल है यही हम लेने की कोशिश कर रहे हैं अभी। गौरव का मैं सवाल लूंगी, 25 साल तक इनको निवेश करना है, 15,000 रुपए की SIP ये करना चाहते हैं। हेमंत सर इनके पास HDFC का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का ब्लू चिप है, मिरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, क्वांट का भी स्मॉल कैप है, टाटा का डिजिटल फंड है। लगातार दूसरा क्वेश्चन जहां पर हम एक तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप देख रहे हैं जो कि अमूमन मेरे ख्याल से हर पोर्टफोलियो में आजकल दिखाई दे रहा है, और टाटा का डिजिटल फंड है जो लगातार दूसरे हमारे दर्शक हैं उनका नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए इन्होंने दो फ्लेक्सी कैप सर शामिल कर रखे हैं। अच्छा ये दोनों जो फ्लेक्सी कैप है HDFC का पराग पारिक का, ये दोनों ही लार्ज कैप बेस्ड फ्लेक्सी कैप है क्या सर? हाँ आई थिंक कविता हम कह सकते हैं कि जितने भी फ्लेक्सी कैप हैं ज्यादातर जो है वहाँ पे फोकस जो है वो लार्ज कैप पे रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम पराग पारिक की बात करते हैं तो वहां पे आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि करीब करीब 15% जो एलोकेशन है वहां पे वो US स्टॉक्स के अंदर है, तो वो एक डिफरेंस है अगर हम पराग पारिक को कंपेयर करें बाकी जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसा इन्होंने कहा है अगर ये अपने जितना इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं 15,000 का मान लीजिए, तो अगर पूरे समय तक करते रहे तो करीब करीब 3 करोड़ का कॉर्पस से बना पाएंगे, तो आई थिंक अच्छी स्ट्रैटेजी है, काफी समय है इनके पास। लेकिन इशू ये है कि इनके पास कुल मिला के 7 फंड है और मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे स्कोप है कि अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करें, कहीं पे थोड़ा ओवरलैप है वो थोड़ा कम करें ताकि पोर्टफोलियो जो है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट बने और परफॉर्मेंस भी थोड़ी ओवर ए लॉन्गर पीरियड वहां पे सुधर सकती है। तो कुछ एक फंड है इनके पास जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट थोड़ा चेंज कर सकते हैं ताकि वो फंड जो है वो कम हो जाए, तो 4,000 वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोतीलाल मिड कैप जो है वहां पे 4,000 कर सकते हैं और क्वांट स्मॉल कैप जो है वहां 3,000 कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक और फंड अपने पोर्टफोलियो में जो डिफरेंट होगा इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से वो है HDFC लार्ज एंड मिड कैप, जहां पे वो 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल 15,000 के लिए 4 फंड और जिस तरीके का एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट्स में होना चाहिए वो यहां से मिलेगा। तो कुछ फंड कम होंगे, पोर्टफोलियो कंसोलिडेट होगा और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इनको मदद करेगा पोर्टफोलियो से बेटर रिटर्न पाने में। ऑलराइट हेमंत सर हमारे दर्शक जरा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं और इनका नाम है मुकेश सर बिहार से। मुकेश साहब
नमस्कार, धन्यवाद, अपना सवाल बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा आपने। सर बताइए, दो फंड आपने खरीद रखे हैं। जी मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। जी सुंदरम का सर्विस फंड लिया है, HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड लिया है, सर किसने आपको रेकमेंड किया ये फंड? मैम जैसे मैंने सुंदरम सर्विस फंड रेडियो पर आना है, इसमें मैंने 1000 रुपए का कैंची किया, तो इसके बारे में मुझे 10 से 15 से 20 साल के लिए मैंने करना है, इसके मुझे सुझाव दिए कि ये फंड आगे चल के कैसा रहेगा मेरा, ये ग्रोथ इसमें गिरेगा बताएंगे आपको। हाँ, और एक आपने बैलेंस एडवांटेज फंड ले रखा है HDFC का। मेरा ये सवाल था कि चुनाव आपने खुद किया है इन फंड्स को लेकर, की सलाह ली है किसी से? नहीं मैम, जैसे मैंने सलाह लिया है, यहाँ पे बेंगलोर में इनका NFO सेंट्रल है, तो मैं वहाँ से सुझाव करके मैं लिया हूँ। ठीक है सर, दोनों में कितना साल हो गया है? मैम ये दोनों में, ये तो HDFC बैलेंस फंड अगस्त मैंने लिया है 2023 में, और ये सुंदरम सर्विस का मैंने यही 2024 में जनवरी से लिया है। चलिए ठीक है, तो अभी ये ताजा खरीद ही है, दोनों में आपका एक साल तो खैर पूरा हुआ ही नहीं है। ठीक है, और 20 साल तक SIP का लक्ष्य है, तो मुझे उम्मीद है कि SIP को स्टेप अप करेंगे, यानी SIP को बढ़ाएंगे। और कोई लक्ष्य बांध रखा है क्या इस निवेश से? तो मैम अभी मैंने नहीं बांधा है, जैसे 1 करोड़ का तक मैं लेकर चल रहा हूँ कि आगे चल के बच्चों के लिए। ठीक है ठीक है, बताते हैं कि 1 करोड़ आपको कैसे मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो दोनों फंड का चुनाव किया गया है वो भी सही है या नहीं है। हेमंत सर, सुंदरम का सर्विस फंड क्या करता है आपके लिए? देखिए कविता, उससे पहले मैं एक दो चीज बता दूं कि एक तो अच्छी बात यह कि इनके पास जो टाइम होराइजन है वो काफी स्पष्ट है, क्लियर है और लंबा समय है, SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि इनकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत सही है। और हमेशा जैसे हम कहते हैं कि आप इतने लंबे समय के लिए इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करो, बट साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाइड बनाओ, कुछ एग्रेसिव कैटेगरी के जो फंड्स हैं जैसे सेक्टर थीमेटिक, उनमें आप मत जाइए, क्योंकि वहां पे एंट्री एग्जिट के टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यूनिवर्स जो है वो इतना डाइवर्सिफाइड नहीं होता, उतना बड़ा नहीं होता है एज कम्पेयर टू ए डाइवर्सिफाइड फंड, तो वो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इनके केस में क्या है, जैसा बिल्कुल आपने सही कहा, सुंदरम सर्विसेज फंड है, बहुत ही नया फंड है ये, ऑब्वियसली जैसा कि नाम से पता चलता है कि सर्विसेज के ऊपर सेक्टर और एज ए थीम फोकस करता है, तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं कि वो उनके लिए सूटेबल है, तो डेफिनेटली वो उसमें वो कंटिन्यू ना करें, मेरी सलाह तो उनको ये रहेगी। दूसरा जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, 20 साल के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड से नहीं है ये, एक ऐसे कैटेगरी बहुत अच्छा है, स्पेशली जब आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो और आप नहीं चाहते कि पूरा पैसा जो है वो इक्विटी में जाए। लेकिन HDFC अगर बैलेंस फंड की, बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें, तो वो बाकी जो बैलेंस एडवांटेज है उससे थोड़ा सा एग्रेसिव है, तो मुझे लगता है जब आप थोड़े एग्रेसिव फंड में जा ही रहे हो तो फिर प्योर इक्विटी फंड में क्यों नहीं। तो ये दोनों फंड मुझे लगता है कि इनके जो डिफरेंट कारणों से इनके लिए सुटेबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे कुछ जैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, तो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 1000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 20 साल का समय है, शुरुआत आप जो भी रकम है उससे कीजिए, बट कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आगे जाके आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाए, ताकि आपको जो बड़ा कॉर्पस बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरुआत कीजिए 2000 से, फंड को डाइवर्सिफाई कीजिए, थोड़ा बड़ा होने के बाद में भी एक या दो और कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो, बट थीमेटिक फंड से शुरुआत करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए मेरे साथ फोन लाइन पर मुकेश साहब जुड़े हुए हैं। देखिए, अपनी SIP को आप बढ़ाइएगा, 1 करोड़ का लक्ष्य है, उस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि 20 साल के बाद आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं 1 CR 1 CR की, तो वो पैसा तो कम भी हो जाएगा, अभी बड़ा अमाउंट लग रहा है, 20 साल के बाद हो सकता है कम हो जाए, तो उस पर तो काम करना ही है। उसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी से? जैसे यही सवाल था, और इसे स्टेप अप करने के लिए मैं
अगले साल मैं स्टेप अप करना चाहता हूँ, तो कितना स्टेप अप करना है? सर जितनी आपकी श्रद्धा हो, ऐसा कोई नियम है ही नहीं, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आपको स्टेप अप कर लेना चाहिए। और हेमंत जी ने आपको बताया ही 1 करोड़ के लिए आपको कितने की SIP करने की जरूरत है, तो उस राशि के करीब आने की कोशिश कीजिए और उतना पैसा स्टेप अप कीजिए जितना आपसे हो सके। ऑल द बेस्ट। आगे मैं बढ़ती हूँ, कुलविंदर जी मेरे साथ दूसरे दर्शक हैं जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। कुलविंदर जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम, क्या हाल चाल? मैम ठीक है जी। ठंड कम हुई कि नहीं हुई? हाँ जी बहुत अर्ली। अच्छा सर बताइए, PGIM का मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, क्वांट का स्मॉल कैप है, केनरा बैंक का ब्लू चिप है, HDFC का इंडेक्स है, DSP का टैक्स सेवर है, 10,500 रुपए की SIP कर रहे हैं, 15 साल चाहिए 1 करोड़ के लिए, और आप इसको बढ़ाकर 18,000 भी कर सकते हैं। जी चलिए सर, कब से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट? मैम मैंने 1 साल से कर रहा हूँ। एक ही साल से कर रहे हैं? किसी से सलाह लिए? कोई फाइनेंशियल प्लानर आपने रखा है अपने लिए? नहीं अभी तो नहीं रखा मैडम। अच्छा तो चलिए सीधा मैं हेमंत जी की ओर ही रुख करती हूँ। हेमंत जी बताइए, फंड्स की डिटेल्स आपके पास हैं, क्या करना चाहिए? 1 साल से SIP कर रहे हैं सर ये? हाँ जी कविता, आई थिंक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि जैसा मैंने कहा कि अपनी SIP अमाउंट को बढ़ा सकते हैं 18,000, और क्योंकि 1 ही साल हुआ है 10,500 रुपए इन्वेस्ट करते हुए, तो मुझे लगता है जो इनका डिफाइंड टाइम हराइजन उन्होंने कहा 15 साल, अगर ये 18,000 की SIP करते रहते तो उनका जो टारगेट है 1 करोड़ का वो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अचीविंग टारगेट मुझे लगता नहीं, अगर ये अपने प्रोसेस को अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करें तो डेफिनेटली वहां तक पहुंच पाएंगे। इनके जो फंड्स हैं मुझे लगता है थोड़े से बदलाव करने की जरूरत है। एक तो इनके पास एक टैक्स सेवर फंड है, DSP टैक्स सेवर, तो वहां पे वो 2,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो करते रहे। एक इंडेक्स फंड है इनके पास HDFC सेंसेक्स का, तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा रीअलाइन करने की जरूरत है, तो चाहे तो यहाँ पे जो इंडेक्स फंड है प्योर लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए उसमें थोड़ा अमाउंट बढ़ा दीजिए, उसको बढ़ा के आप 4,000 रुपए कर सकते हैं, और क्वांट स्मॉल कैप जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में भी है उसमें आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, और एक मल्टी कैप फंड को आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि मिनिमम 25% एलोकेशन तीनों सेगमेंट में है, और थोड़ा ज्यादा पैसा जो है लार्ज कैप में जाता है। तो आई थिंक एग्जिस्टिंग फंड और एक मल्टी कैप फंड लेके सही एलोकेशन जो डिफरेंट सेगमेंट्स को मिलनी चाहिए वो मिलेगी, और वहां पे आप 6,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरीके से होगी। आप जैसा मैंने कहा एक दो कुछ आपको बदलाव करने की जरूरत है, और एक बार अपना पोर्टफोलियो में बदलाव करें तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें, ताकि जो सही तरीके से जो इक्विटी का पोटेंशियल है उसको आपका फायदा मिले। कुलविंदर आपको सलाह समझ में आई, कुछ पूछना चाहते हैं? मैम अभी मेरे को जो ड्रॉप करना है वो कौन सा करना है ड्रॉप इनमें से? हेमंत सर देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे एक मिड कैप फंड है इनके पास PGIM मिड कैप फंड वो, और दूसरा मैंने कहा इनको जैसे कैनरा बैंक को ब्लू चिप, ये दो को ड्रॉप करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोन लाइन पर मेरे साथ अब चलिए सिद्धार्थ का मैं सवाल लूंगी, और ये सवाल आपके पास होगा हेमंत सर। चलिए 70,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, HDFC का मल्टी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, क्वांट का स्मॉल कैप है, और HDFC का बैलेंस एडवांटेज है, और 20,000-30,000 रुपए की SIP मल्टी कैप में जा रही है, फ्लेक्सी कैप में जा रही है, 11,000 की कोटक इमर्जिंग में, स्मॉल कैप में 10,000, और बैस फंड में जा रही है HDFC के 9,000 रुपए। 7 करोड़ इनको कब तक मिल पाएंगे इस निवेश राशि से, और 10% तक अपनी SIP बढ़ा भी सकते हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो वो 70,000 की SIP कर रहे हैं और ये कमिटेड है कि वो अगर हर साल जो है अपनी SIP को 10% से बढ़ाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट काफी बड़ा है, तो आई थिंक यहाँ पे स्टेप अप SIP बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मुझे लगता है कि अगर वो 12% का रिटर्न अगर मान के चले तो करीब 16 साल के बाद वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आई थिंक उनकी एज 44 ईयर्स है, तो अगर इनका ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट के लिए वापस बनाने का 7 करोड़ का, तो अगर ये 60 में अगर रिटायर होंगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते इनका जो टारगेट है वो पूरा होगा, और समय लंबा है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि हमेशा जब आप ये मान के चले कि कितना रिटर्न मिलेगा तो 12% एक सही नंबर है,
पॉसिबिलिटी है कि उससे बेटर भी आपको रिटर्न मिल सके इतने लंबे समय पे। तो 16 साल लगेंगे इनको वहां तक पहुंचने के लिए। फंड्स मैं कहूंगा ब्रॉडली इनके फंड अच्छे हैं, जो एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट को होनी चाहिए वो भी अच्छी है। सिर्फ एक ही चेंज मैं इनको रिकमेंड करना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतने लंबे समय के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड मुझे लगता नहीं कि वो सही कैटेगरी है। सेम फंड है यहाँ पे भी, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा बदलाव करें, और एक लार्जर मिड कैप जो उनके पोर्टफोलियो में शामिल हो सकता है वो मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड, अगर चाहे तो HDFC लार्जर मिड, इन दोनों में से कोई भी एक फंड ले लीजिए आप, ये एक बदलाव कर दीजिए। बाकी फंड जो है बिल्कुल सही है, और जो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको भी आप बरकरार रखिए, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, कमिटेड रहना पड़ेगा आपको कि 16 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहें और हर साल अपने SIP को 10% से बढ़ाएं। चलिए अगले दर्शक मेरे साथ अमित भदौड़िया साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार अमित, अमित क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, इन्होंने शायद हमें होल्ड पर डाल दिया है, तो जब भी होल्ड पर से आए तो यो सलाह सुन सकेंगे। सवाल मेरे पास है, हेमंत सर आपके पास भी होगा, SBI का ब्लू चिप है, एक्सिस का मिड कैप है, HDFC का स्मॉल कैप है, मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, और मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास, और इन्हें 20 साल में 70 लाख चाहिए, ये इनकी मंशा है, और 5 साल में 5 लाख रुपए ये बोल रहे हैं इनके पूरे फंड्स की वैल्यू जो है वो लगभग होती हुई दिखाई दे रही है। बताइए हेमंत सर, फंड्स ठीक है? कविता, आई थिंक एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहना चाहूंगा मैं, फंड की भी ऑफकोर्स बात करेंगे, कि इनकी जो टाइम होराइजन है, उन्होंने कहा कि 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 20 साल में इनको चाहिए, तो अगर ये 20 साल और है इनके पास तो इनका जो कॉर्पस जो बनेगा वो कहीं ज्यादा बनेगा। बट अगर कुल मिला के 20 है तब भी मुझे लगता है इनके अपने जो टारगेट है उसको पूरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी वहां पे चाहिए। बट जैसा मैंने कहा कि इधर पिछवे उनका जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 7000 की, थोड़ा सा अगर पोर्टफोलियो को रियलाइन करें तो मुझे लगता है वो बेटर रहेगा यहाँ पे। तो एग्जिस्टिंग फंड है, जैसे HDFC स्मॉल कैप है वहां पे 2000 की इन्वेस्टमेंट है, वो आप कंटिन्यू करते रहिए। मोतीलाल फ्लेक्सी कैप में 1000 है, उसको चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, उसको 3000 कर दीजिए। और एक फंड मैं ऐड करने को कहूंगा इनको, HDFC लार्ज एंड मिड कैप, मुझे लगता है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, वो सही बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में लेके आती है, वहां भी आप 2000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव है पोर्टफोलियो में, एक फंड में शामिल करने को कह रहा हूँ, और इस तरीके से आपने 7000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अमित मेरे ख्याल से आपने हमें होल्ड पर रख दिया था और तब तक आपकी सलाह पर बातचीत भी शुरू हो चुकी थी, क्या आपने सलाह समझ ली? समझ में आ गई है। ठीक है अमित, बाकी आप सलाह जो है YouTube पर हमारा शो जाता है, चैनल के YouTube पर, वहां पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इनकेस कोई डाउट हो तो। आगे बढ़ती हूँ और नवीन कुमार साहब का सवाल YouTube के जरिए लेना चाहूंगी, शायद ये शो का हमारा आखिरी सवाल भी होगा। हेमंत सर, 15000 रुपए हर महीना SIP कर रहे हैं, 10 साल तक SIP कर सकते हैं, और कितने पैसे जुटेंगे इनके, ये इनका सवाल है। तो इनके पास ICICI प्रू का टेक्नोलॉजी फंड है, SBI का कॉन्ट्रा है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, और SBI का ब्लू चिप है, सभी इन्होंने अपने लिए डायरेक्ट प्लान लेके रखे हुए हैं, तो मतलब ये अपने पोर्टफोलियो को खुद भी ट्रैक भी कर रहे हैं। बताइए हेमंत सर। जी कविता, अगर ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, जो उनका डिफाइंड टाइम होराइजन उन्होंने कहा 10 साल का समय इनके पास, तो मुझे लगता है 12% रिटर्न अगर मानते चले तो करीब 35 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। दूसरी बात, इनके फंड में पोर्टफोलियो में 5 फंड है और यहाँ पे भी एक टेक्नोलॉजी फंड है, तो मुझे लगता नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक ऐसे निवेशक के लिए जो एक छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं और एक लॉन्गर पीरियड वो सेक्टर फंड थीमेटिक फंड से दूर रहे, तो मुझे लगता है वो बेटर रहेगा। मुझे लगता है कि ये इनके पोर्टफोलियो में 15000 के लिए अगर 3 फंड हो तो वो बेहतर रहेगा। तीनों फंड इनके एग्जिस्टिंग फंड होंगे, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट थोड़ा रियलाइन करने की जरूरत है। SBI कॉन्ट्रा में 5000, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 5000, कोटक इमर्जिंग में 5000, तो ये 3 फंड जो इनके पास ऑलरेडी है, अमाउंट में थोड़ा बदलाव कीजिए, फंड कम होंगे और सही बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में आएगा। जैसा मैंने कहा, अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं तो करीब 35 लाख का कॉर्पस बनाते हैं।
चलिए, क्योंकि इन्होंने इतना स्पेसिफिक डायरेक्ट प्लान के बारे में भी जानकारी दे दी है, तो बाकी दर्शकों को भी जानकारी के तौर पर बता दीजिए कि डायरेक्ट प्लान कितने किफायती भी होते हैं अगर किसी को निवेश करना हो। हालांकि आपके पास अनुभव होना चाहिए, डायरेक्ट प्लान का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं से मदद नहीं मिलेगी, मतलब यही है कि आपको मदद नहीं मिलेगी और जो फीस चार्ज की जाती है डिस्ट्रीब्यूटर और तमाम लोगों के द्वारा वो चार्ज नहीं होगी, लेकिन ये कितना आसान और कितना मुश्किल काम होगा डायरेक्ट प्लान खरीदना सीधा एएमसी के पास से जाकर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दोनों पहलू आपने टच किए। एक ऑब्वियसली जब आप डायरेक्टली जाते हैं क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पे कॉस्ट थोड़ी कम होगी। ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फंड हाउसेस डिफरेंट फंड 0.50 to 0.75% ब्रॉडली ये रेंज में आपको बचत होगी क्योंकि वहां पे कमीशन पे नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो कि आप खुद से सही तरीके का पोर्टफोलियो बना पाएंगे और बनाने के साथ मॉनिटरिंग कर पाएंगे, अपने आप को इंस्पायर कर पाएंगे, स्पेशली जब मार्केट बहुत डिफिकल्ट फेज से जा रही है, तभी आप उसको करें। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए आप कुछ गलतियां करें जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। तो वही निवेशक जिनको लगता है कि उनके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है खुद से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे मैंने कहा खुद को इंस्पायर करने की कि आप डिफिकल्ट समय में भी अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, आप कोई हैप हैजर्ड एडॉप डिसीजन नहीं लेंगे, अगर आप वो कर सकते हैं तो फिर कभी आप डायरेक्ट में जाइए। अदरवाइज मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी एडवाइस, थोड़ी सी मदद और डिफिकल्ट समय में हैंड होल्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ऑफकोर्स थोड़ी सी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी बट वो काफी फायदेमंद हो सकता है। चलिए, जितना मुमकिन हो सका हमने सवालों के जवाब दिए हैं और सवालों को शामिल किया है, लेकिन हेमंत जी हमारा समय आज के लिए यही समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दर्शकों को समय दिया और उनका मार्गदर्शन भी किया आज। और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपकी भी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड से जुड़ा कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कंफ्यूजन हो, लोन पर सवाल, टैक्स पर सवाल, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर सवाल, अपने सवाल आप हमें यूट्यूब पर छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और लगातार क्योंकि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हैं, एक व्हाट्सएप नंबर भी है हमारा जहां पर आपके सवालों का हमें इंतजार होता है। रोजाना शाम को 4 बजे लाइव हम लेकर आते हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे एक्सपर्ट करते हैं आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसी के साथ मुझे भी आज के इस शो में दीजिए इजाजत, नमस्कार।